50 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। फर्जी तरीके से भर्ती 50 कर्मचारी यहां पर निलंबित हुए हैं। 2020 में DSSB के जरिए तिहाड़ में हुई थी भर्तियां और ये सभी भर्तियां बायोमेट्रिक तरीके से हुई थी। 39 वार्डन, 9 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, 2 मैट्रन यहां पर निलंबित किए गए हैं। मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश बताइए क्या फर्जीवाड़ा था यहां पर? देखिए तिहाड़ जेल में DSSB यानी कि दिल्ली सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के जरिए 50 कर्मचारियों को भर्ती किया गया था। हालांकि बहुत सारे कर्मचारी और भी भर्ती हुए थे, लेकिन इस भर्ती के बाद जब कर्मचारियों की जांच हुई और उनका जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन था, उनकी जो फोटो थी उस भर्ती के फॉर्म में, वो आपस में मैच नहीं हुई। इसके बाद जांच हुई और जांच में पाया गया कि ये जो कर्मचारी हैं, इनमें से 50 कर्मचारी फर्जी तरीके से भर्ती हुए हैं। इसके बाद 30 नवंबर को जो तिहाड़ का प्रशासन है, उसने इन सभी 50 कर्मचारियों को नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ये थमा दिया और इनको निलंबित कर दिया। जो लोग निलंबित हुए हैं उनमें 39 वार्डर हैं, 9 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हैं और 2 मैट्रन हैं। तो जांच के बाद ये पाया गया कि ये कर्मचारी जो है ये फर्जी तरीके से भर्ती हुए हैं और इनका जो बायोमेट्रिक है वो इनके फोटो से मैच नहीं कर रहा है और बायोमेट्रिक भी फर्जी है। तो कुल मिलाकर इसमें एक बड़ी कार्रवाई हुई है और 50 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। हो सकता है कि इनके खिलाफ दिल्ली पुलिस आपराधिक मामला भी दर्ज करेगी।